भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े दिग्गज सुपरस्टार्स खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने फिल्म जगत में अपनी एक अलग जगह बनाई है। दोनों की ही बड़ी मात्रा में फैन फॉलोइंग भी है। इन दोनों का जब भी कोई गाना रिलीज होता है तो फैंस बड़े चाव से उसे सुनते हैं, लेकिन एक वक्त पर करीबी दोस्त रहे पवन और खेसारी के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दरअसल हाल ही में पटना के एक कार्यक्रम में पवन सिंह ने खेसारी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा। रिपोर्ट्स की माने तो पवन ने खेसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां, जिसे जहां जाना है वहां जाए, हम वहां कब का काम करके आ चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग अभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे। पवन सिंह के इस बयान पर खेसारी ने भी अब पलटवार कर दिया है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि खुद को खड़ा करो, भोजपुरी को बड़ा करो, मैं जिन्हें इतना बड़ा मानता था उन्हें मेरे नाम से दिक्कत है। खेसारी ने आगे आकर कहा कि मंच पर इंसान को अच्छे मन से रहना चाहिए, दारू पीकर नहीं जाना चाहिए, दारू पीकर जाना गलत बात है। खेसारी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके द्वारा खींची लकीर पर ही दुनिया चलती है, तो आप ही निर्णय ले लीजिए कि आदरणीय भिखारी ठाकुर जी, शारदा सिन्हा जी, मनोज तिवारी जी, मृदुल जी जैसे दिग्गजों ने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और मैं ऐसे लोगों से प्रतियोगिता नहीं करता, बस अपना काम करता हूँ। बड़ी बात यह है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच अब ये विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये बात तो तय है कि अब कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।